इस बार मैं एक पंखा बना रहा हूँ जो हवा से बिजली बनाता है। विंडमिल की तरह? करेक्ट, पर अभी ये उल्टा काम कर रहा है, बिजली से हवा बना रहा है। मतलब अभी ये सिर्फ एक नॉर्मल पंखा है। करेक्ट, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। सॉरी यार। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करते हैं, जल्दी हो जाएगा। नहीं, चलो आज मैं तुम्हें साइक्लोन्स के बारे में बताता हूँ। साइक्लोन? साइक्लोन्स होती हैं तेज हवाएं जो साथ में बिजली और बारिश लाती हैं। बिल्कुल सही, ये ज्यादातर समुद्री इलाकों में आते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनसे घर बार, खेत फसलें सब नष्ट हो सकते हैं। इसकी तेज हवा से हल्की फुल्की चीजें उड़ जाती हैं और पेड़ भी उखड़ सकते हैं। इतनी तेज, फिर तो इनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। वो तो है, पर साइक्लोन आने से पहले मौसम और आसमान में कुछ चेतावनियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और फिर क्या? बहुत तेज बारिश, तूफान और बिजली कड़कने शुरू हो जाते हैं। हाँ, उस समय हम सबको घर में ही रहना चाहिए और बिजली की चीजों से दूर रहना चाहिए। पर तुम तो कह रहे थे कि हल्की चीजें उड़ जाती है। मैं भी तो हल्का फुल्का हूँ। इसलिए हमें दरवाजे खिड़कियाँ से दूर रहना चाहिए, छत पर भी नहीं जाना चाहिए, जमीन के पास ही रहना चाहिए। और अगर घर के बाहर हूँ तो कहाँ भाग के जाऊँ? तुझे तो हमेशा भागने की ही पड़ी रहती है। धम्पू, घर के बाहर हो तो इधर उधर भागना बिल्कुल नहीं चाहिए, और जब बिजली कड़के तब हमें जल्दी से जमीन पर बैठकर अपने सर को घुटनों के बीच में रखकर हाथ से ढकना चाहिए। हो गया, चलो अब बाहर चल के खेलें। तो याद रहे, साइक्लोन के समय सबसे जरूरी बात, मम्मी पापा या किसी बड़े की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और सुरक्षित स्थान में ही रहना चाहिए। साइक्लोन भागो! इतनी जल्दी भूल भी गए कि मैंने क्या कहा था। भागना नहीं चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए और घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए।